न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। राम तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम कार्यक्रम के अंतिम चरण के तौर है और बचे हुए समय में आप क्या गंगा के लिए कर सकते हैं, तन मन और धन, आप तीनों या एक कॉल करके बताइए, एसएमएस करके बताइए। स्क्रीन पर चल रहा ऊपर जो नंबर आता है थोड़ी थोड़ी देर बाद में, उस मोबाइल पर आप एसएमएस कर सकते हैं, इसकी मिस कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट पे जा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से आप और हम मिलकर इस अभियान को आगे अगर बढ़ाते हैं तो हम एक देश में आदर्श निर्माण करेंगे कि आखिर समाज कैसे आगे बढ़कर ये काम कर सकता है। देश में पहली बार ऐसा माहौल बना है कि कुछ हो सकता है, इस माहौल का उपयोग सकारात्मक दिशा में करिए और इसका सबसे पहला सकारात्मक फायदा गंगा के लिए अर्थात आप और हम के लिए करिए। अगले कॉल, जय हिंद। जय चौहान जी। मैं पृथ्वी पाल सिंह बैंकॉक से बोल रहा हूँ। सर जी, सबसे जरूरी है अगर सरकार कटिबद्ध है, सिर्फ सरकार के करने से कुछ नहीं होगा, हर व्यक्ति का नैतिक धर्म और मान के चले कि गंगा को साफ करने हमारी जिम्मेदारी है। गंगा को गंदा कौन करता है? हम और आप करते हैं, जनता करती है। जनता इस बात को मान के चले कि हमको गंगा को साफ रखना है तो आधी समस्या तो वहीं खत्म हो जाएगी, और सरकार कटिबद्ध है तो हमको भी कटिबद्ध होना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जो कंपनियों से मलबा गिरता है और जो सीवेज का पानी है, सीवेज का, उसको रोकना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। इन दो मुख्य कारणों से गंगा का पानी सबसे ज्यादा दूषित होता है। बिल्कुल, और जो बात आपने कही है कि गंगा में गिरने वाले पानी को पहले ट्रीटमेंट करके गंगा में फिर छोड़ा जाए, तो ऐसा प्रयास पहले भी हुआ, लेकिन जो मशीनरी खड़ी गई, जो प्लांट लगाए गए, वो प्लांट बंद पड़े है, उसमें कुछ होता ही नहीं है, बस वो दिखावे के लिए किए गए है। इस बार दिखावा नहीं, प्रत्यक्ष दिखना चाहिए, प्रत्यक्ष करना चाहिए, जमीन पर उतरना चाहिए, क्योंकि बात केवल सरकार की नहीं अंतरात्मा की है। अगले कॉलर, जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जी, नमस्कार जी, शैलेंद्र पांडे बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ देखिए, मेरा जो मानना है, जिस प्रकार हम सभी लोगों ने मिलकर गंगा नदी को प्रदूषित करने में अपना अपना योगदान दिया है, बिल्कुल ठीक उसका उल्टा करना होगा। बिल्कुल, और हम सबको मिलकर ही योगदान देना होगा, चाहे मैं, आप, गवर्नमेंट, प्राइवेट कंपनियां, कचरा फैलाने वाले, दूषित प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्रीज, या जिम्मेदारे जितने भी हमारी गवर्नमेंट बॉडीज हैं, उन सबको इनिशिएट लेना पड़ेगा इसको साफ करने के लिए। वाह, बड़ी अच्छी बात कही, धन्यवाद। बड़ी अच्छी बात कही कि हमने सबने मिलकर इसको किया है। अनदेखा करना ये भी अपने आप में गुनाह है या गुनाह में शरीक होना है। गंदगी होते हुए हम अगर चुप बैठे हैं, अनदेखा किया है, तो भी हम गुनेगार हैं। इसलिए अब इस पाप को धोना, इसका मतलब है कि अगर इसका एक ही उपाय है, वो गंगा बचाओ अभियान में सम्मिलित होना। अगले कॉलर, जय हिंद। बोलिए। जय हिंद साहब, क्या कहना है आपको? मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ साहब। हाँ, जब गंगा के बारे में इतना कुछ आप लोगों को बोलते हैं, तो मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। हाँ, इस गंगा को जो मैला करने वाले इंसान ही है। मैं, चलो मान लिया जाए कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगर ये गंगा साफ हो भी गया, होने के बावजूद अगर फिर ये मैला नहीं होगा बोल के क्या गारंटी है सर? नंबर एक। नंबर दो, जब बड़ा बड़ा वीओपीओ को दीवार बन सकता है, जेलों में दीवार बन सकता है, एक बार गंगा साफ होने के बाद 15-15 फीट, 20-20 फीट का इतना बड़ा दीवार बनाया जाए ताकि एक भी कचरा बाहर से अंदर ना जाए। धन्यवाद। हमको थोड़ा से वैज्ञानिक उपाय सुझाने होंगे। नदी का एक अपना प्रकृति होती है, उसमें दीवारें बनाना उपयोग नहीं है, लेकिन आपने सुझाव देने का प्रयास किया, इसका हम स्वागत करते हैं। अगले कॉलर, जय हिंद। हरिओम सुरेश जी, बोलिए। हरिओम सुरेश, देश में से जो यात्री आते हैं वो काशी के घाट पर सामूहिक पूजा श्राद्ध धार्मिक विधि पंडों के पुजारियों के द्वारा करके निर्माल्य माँ गंगा में छोड़ देते हैं, तो इन पंडो पुजारियों को यदि समझ देकर जो एक साथ 40-50 भाविकों का निर्माल्य माँ गंगा में न डालकर कचरा डालने के लिए जो व्यवस्था की है वहाँ डाले। और दूसरी बात, ऐसे पढ़े लिखे लोगों ने समझना चाहिए कि खाली सरकार से आप अपेक्षा न करें, अपने आप खुद से स्वच्छता रखने का प्रयास करना चाहिए।
बिल्कुल धन्यवाद। ये जो निर्मल्य डालने वाली बात है ना, इसको मैं थोड़ा सा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तरीके से भी समझाना चाहूंगा, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। हालांकि ये उतना बड़ा कारण नहीं, लेकिन फिर भी इसको समझना जरूरी है कि पूजा पाठ में जो हम फल फूल पत्ते इस्तेमाल करते हैं, ये तो वैसे अपने आप में खत्म हो जाते हैं, लेकिन इसका अनुपात इतना बड़ा है, गंगा का पानी का प्रतिशत बहुत घटा है, ऐसे में किसी भी नदी को इसको अब डालने की स्थिति नहीं है। ये नदी में ना डालने से पाप लगता है या नदी में ही डालना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये ऐसी मान्यता है, हमारी धार्मिक मान्यता ये है कि कोई भी वस्तु, हम भी और आप भी, ये हम इस पंच जीवों से बने हैं, पंच तत्वों से बने हैं, इनमें किसी ना किसी एक तत्व में डालना चाहिए। फूल पत्ते या फल, ये चीजें हम जला नहीं सकते, इसलिए अग्नि तत्व में नहीं डाल सकते। इसके लिए पानी में डालने की स्थिति नहीं है, हवा में डाल नहीं सकते, तो फिर क्या किया जाए? तो जमीन को खोदकर भी हम कहीं पर भी, पार्क में इधर उधर, उसमें भी हम उसको अगर डालें तो भी चल सकता है। हमारी दुनिया, विश्व की प्रकृति की चीजें पंच तत्व में सम्मिलित करने की हमारी परंपरा है, सोचे जो कि 100% वैज्ञानिक है। इसलिए कुछ समय तक पानी का आग्रह ना करके हम इसको दूसरे तत्व जमीन, इसमें अगर डालते हैं तो मुझे लगता है कि वो भी भगवान तक पहुंचता है। अगले कॉलर जहन। हेलो, बोलिए। हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ हेलो, मैं कहना चाह रहा हूँ, अभी एक जो आपकी कार्यक्रम आ रही है गंगा, बाकी हम इसे माँ मानते हैं गंगा को, लेकिन जिस भागवती प्रयास से ये गंगा हमारे तक पहुंची, पहाड़ों से लेकर मैदानों तक, हाँ। आज हमें चाहिए कि वही भागवती प्रयास करें इसको बचाने के लिए। ये तो एक राजनीतिक मुद्दा हम लोग देख रहे हैं, पिछले 10 वर्षों 2 दशकों से 10,000-40,000 करोड़ और न जाने कितने हजारों हजार करोड़ कागज पे खर्च हो गए, लेकिन ये कहीं से भी सफल होता हुआ। अब मोदी भाई जी का कहना है, हमारे प्रधानमंत्री जी का, तो ये हमें देखने की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है इसमें कि लोगों में जागरूकता लाई जाए। मेरी समझ से जब तक मानसिक और वैचारिक रूप से इसमें हम अपने आप को प्रदूषित होने से इसको न रोके, तो बहुत मुश्किल है ऐसे में इसको बचाना। धन्यवाद। हम जरा उपायों पर भी नजर डालते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, मुहिम छेड़ने की जरूरत, लोगों को जागरूक किए बिना गंगा को साफ करना संभव नहीं है। गंगा की सफाई में लोगों की सक्रिय भागीदारी चाहिए। कम से कम लोगों को ये तो जरूर समझ में आनी चाहिए कि गंगा को साफ रखने के लिए इसमें गंदगी न डालें, और दूसरों को भी गंगा की सफाई कैसे की जाती है इस बारे में समझाने की कोशिश करें। गंगा की सफाई के लिए व्यापक पैमाने पर लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। हर उस चीज के बारे में उन्हें बताया जाना चाहिए जिससे गंगा गंदी होती है। साथ ही लोगों को ये भी बताने की जरूरत है कि यदि गंगा लगातार इसी तरह से गंदी होती रही तो इसका परिणाम क्या होगा। कुल मिलाकर गंगा को साफ करने के लिए व्यापक पैमाने पर एक मुहिम की जरूरत है जो लगातार चलती रहे। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी, गंगा को साफ करने के लिए पूर्व पीएम राजीव गांधी ने खरबों रुपए की लागत से कई परियोजनाएं चलाई थी। पिछले 30 साल से ये परियोजनाएं चलती रही हैं, लेकिन इसका लाभ कहीं दिख नहीं रहा है। इसके विपरीत गंगा और गंदी हो गई है। इन परियोजनाओं को देखकर लगता है कि अब गंगा की सफाई के नाम पर सिर्फ केंद्रीय खजाने की लूट ही होती रही है। कम से कम अब गंगा की सफाई को लेकर केंद्र सरकार को गंभीर हो जाना चाहिए। गंगा की सफाई वाली तमाम परियोजनाओं की पुनर्समीक्षा करके इस उद्देश्य के लिए एक ठोस योजना बनाने की जरूरत है। इसके लिए एक निश्चित समय अवधि भी तय किया जाना चाहिए ताकि गंगा का सफाई अभियान व्यवस्थित तरीके से अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। राज्य सरकारों का सहयोग, राज्य सरकारों के सहयोग के बिना गंगा नदी को साफ कर पाना संभव नहीं है। स्थानीय स्तर पर लोगों को गंगा में गंदगी डालने से रोकने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। उन फैक्ट्रियों को तत्काल गंगा नदी से दूर किया जाना चाहिए जो गंगा को जहरीली बना रही है। इसके साथ साथ मरे हुए जानवरों को भी गंगा में बहाने से रोका जाना चाहिए। गंगा किनारे बसे नगरों पर तो राज्य सरकारों को खास ध्यान देना चाहिए। इन नगरों में तो राज्य सरकारों को विधिवत गंगा सफाई को लेकर लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए। सबसे पहले लोग गंगा को साफ रखने की जरूरत को मानसिक तौर पर स्वीकार करें। इस काम में राज्य सरकार अहम भूमिका निभा सकती है। गंगा नदी से कई राज्यों की संस्कृतियां जुड़ी हुई हैं।
राज्य सरकारें इन संस्कृतियों के अनुकूल ही लोगों को गंगा के प्रति जागरूक करने की योजना बना सकती है। हमने प्रयास किया आज आपके सामने ये मुद्दा लाने का। हम कई अभियान लाए हैं और उन अभियानों को हमने यशस्वी तरीके से पूर्ण किया है, लेकिन ये भगीरथ प्रयासों की जरूरत है। गंगा को जमीन पर लाना जितना मुश्किल था उससे भी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा हाथ आगे बढ़ने की आशा है, संभावना है, दिख रहा है। ऐसे में अगर आप पीछे रह जाए तो क्यों, वो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए हम आप पीछे न रहे, हम आप आगे रहे, ऐसा प्रयास हो और इसलिए इस अभियान से ज्यादा लोग जुड़े। हम इस अभियान में तकनीक का पूरा उपयोग करेंगे। ये अभियान चैनल पे भी चलता रहेगा, जमीन पे भी चलता रहेगा, सोशल मीडिया में भी चलता रहेगा। हम कॉल सेंटर से लेकर तमाम प्रक्रिया इसके साथ जुड़ेंगे। ये केवल एक कार्यक्रम देखकर मिस कॉल देने और एक फोन कर प्रतिक्रिया देने तक का अभियान नहीं है, प्रत्यक्ष सहभागी होने का अनुभव है, कार्यक्रम है, अभियान है। और ऐसा कहते हैं कि अगर हम गंगा के उपयोगी आते हैं तो हमारी 7 पीढ़ियां उससे उद्धार होती है। अब हम गंगा के स्नान में तो पूरा देश नहीं जा पाएगा, जाना चाहिए, इसी निर्मल बनाने का प्रयास होना चाहिए, लेकिन घर बैठे गंगा की सेवा करने का मौका पहली बार आया है, उस मौके को मत छोड़िए, हमसे जुड़िए, गंगा अभियान में जुड़िए। इसके लिए हमारी वेबसाइट savegangain और हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट joinsavegangain, इस पर आप हमसे जुड़िए। हम चाहते हैं कि आप और हम मिलके दुनिया को कुछ उदाहरण पेश करें कि यह भी हो सकता है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद। मुझे किसी ने भेजा है न, मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। राम तेरी।